गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल आप सभी लोग जुड़े। आज जो आपका टॉपिक है, जितने भी आपके प्राचीन भारत के इतिहास के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2012 से 2020 के बीच में, उन्हीं की आपकी चर्चा होगी, वही क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग जुड़े, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, ठीक है। ये जो आज आपका टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग जुड़ें और क्वेश्चंस को करिए, ठीक है, और सीखिए कैसे पे क्वेश्चंस आते हैं। जो बिल्कुल नए हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस बिल्कुल ही आपके एकदम जो है, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस हैं ही आपके लिए, ठीक है। 2012 से अगर 20 मैंने बोला तो वही हैं आपके, ठीक है, बस इतना ध्यान देना। बिल्कुल शालू जी, स्वागत है आपका। और भी लोग भाई जुड़ के एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। क्लास तो आपकी बिल्कुल टाइम से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो चलो आते हम लोग। तो आप यहाँ देख रहे हैं, मेरा नाम है सुशांत रंजन पांडे, मेरी क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप एक यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पे कोड देख रहे हैं, सुशांत 01, ठीक है। ये जो कोड आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लास में एंट्री, जैसे आप यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप पहली बार हमारी क्लास देखने आ रहे हैं, ठीक है, या किसी भी टीचर की क्लास, तो आप ये कोड यूज़ करिए और एंट्री कर जाइए क्लास में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम सभी लोग। ये देख रहे हैं आपका UPSC UPSSSC की आप तैयारी कर सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक आपका फतेह UPSC का स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि रैंक 1, रैंक 2 टू 3, तो सभी को आपको जो है उस हिसाब से, आपको जिस हिसाब से आपकी रैंक रहेगी उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप में डिस्काउंट दिए जाएंगे, ठीक है, या उतने स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, ठीक है। इसके एनालिसिस भी आप देख रहे हो, डेली आपको 7 बजे कराई जाएगी। रोमित जी स्वागत है बिल्कुल, और बाकी लोग कहाँ हैं भैया, ठीक है। तो और आप ये देख सकते हैं कि आपको जो एनालिसिस टाइम आपका डेली 7 बजे है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि प्लस फीचर्स में आपको मिलते क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, आप ये थोड़ा ध्यान दें। प्लस फीचर्स में जैसा कि आप देखें, लाइव फॉर्म आपका, आप जहाँ घर बैठे हो, जहाँ ऑफिस में हो, आप ऑफिस में बैठ के भी ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस आपको, मतलब एक सब्सक्रिप्शन लो सारे कोर्स का, ठीक है। कानपुर में कल मेला लगता है, अच्छा ये भी है क्या, बिल्कुल। टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, एग्जॉस्टिव सिलेबस पूरा आपका जितना भी है, ठीक है, आंसर राइटिंग, स्टडी मटेरियल, लाइव टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बैच कोर्स में आप देख सकते हो, लक्ष्य UPSC बैच आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लक्ष्य UPSC 2022 का बैच, फास्ट ट्रैक रिविजन बैच, ठीक है। तो आपका फास्ट ट्रैक यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, फास्ट ट्रैक आपका किसके CSET बैच के लिए। यहाँ पे देखो, आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, बेनिफिट आपको क्या मिल जाता है मैं बता दूँ। UPSC लोअर सबॉर्डिनेट भी मिलेगा, लोअर PCS RO UPSI UPSSSC PET लेखपाल BEO ऑप्शनल कोर्स जो भी आपके होंगे वो सभी आपको मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। और वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं आप अपने हिसाब से, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे फी स्ट्रक्चर होगा उसमें। जब ये आप सुशांत 01 कोड आप यूज़ करेंगे, आपको 10% अपने आप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मलय जी, शालू जी, सभी का स्वागत है। ये लीजिए आपके लिए, पहले आज टॉपिक देख लो आपका क्या है, ये आपका हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, ठीक है, आपको ये बताना है कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, आपको ये बताना है, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए सभी के सभी लोग जवाब दीजिएगा, और बाकी लोगों को अगर बुलाया नहीं है तो बुला लो, ठीक है, लाइक कोई करवा दो अगर मन हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, बट आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। क्या हुआ मलय जी, मलय जी मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से तो सॉरी, ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको पता है कौन शुक्ल, भाई देखो आप जितना लेट करोगे उतना लेट मैं भी करूंगा, इसलिए थोड़ा कोशिश करो आप जल्दी करने का, तो हम भी जल्दी करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो आपको पता है वाज शनेयी संहिता है आपका, ठीक है, वाज शनेयी आपकी संहिता आपकी किसकी है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है, ठीक है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे ये बताना है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन ये कथन सही है और क्या बताना है। भैया बाकी लोग तो निकल ले रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, आप आओ चाहे ना आओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस हमको क्वेश्चन कराना है, हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। धर्मेंद्र जी स्वागत है आपका। अच्छा रोमी जी स्वागत, शेयर करने गए थे, बिल्कुल ठीक है। तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, दूसरा उत्तर भारत और राजनीतिक एकता नहीं थी। भाई जाहिर सी बात है, जब राजनीतिक एकता नहीं थी तभी आपके तुर्की आक्रमण सफल भी हुए थे, ठीक है। तो आपका चुपचाप कथन एक आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी बताता है, ठीक है, क्योंकि भाई जब एकता नहीं थी इसीलिए आपका तुर्की आक्रमण भी हुआ था, ठीक है। चलो सेम इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, ये बताओ तीसरा क्वेश्चन। निम्न मंदिरों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगकोंड चोलपुरम मंदिर, ठीक है, गंगकोंड जिसे कहते हो आप, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, या आपका सप्त पगोडा, ये बताइए आपको कौन सा। ये सिक्वेंशियल आपको सही है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आराम से इसका लगा लो, ठीक है, आराम से इसका लगा लो। लगता है कि रोमित जी देख लिए हैं क्या कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो सर दे रहे हैं, ऐसा नहीं ना है रोमित जी। आर प्रिया जी स्वागत है आपका। बताइए जल्दी से, बिल्कुल, तो सभी लोगों को ये पता है कि आपको कौन सा सीक्वेंस सीरीज सही है, ठीक है, ये इसका डी ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले आपको कौन सा सप्त पगोडा आता है, फिर आपका महाबलीपुरम का मंदिर आता है, ये आपका बृहदेश्वर और यह गंगकोंडा। ये 2018 पीसीएस का क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, 2018 पीसीएस ये पूछा जा चुका है। हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फैक्ट पे होंगे, आपको नहीं आएगा, ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं, एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा लगेगा। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क, बताइए। थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और बाकी जिसको नहीं मन कर रहा है वो जा सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल आप सभी को पता है ये आपका क्या है, खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख जिसे आप कहते हो, ठीक है, खारवेल का, ठीक है भैया, चलो बिल्कुल ए। ये बताइए, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, औदे, बोरी, बागोर या लखनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल में। अब बाकी भैया जिसको करना होगा वो डेली आ सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए डेली, अब इधर आज आपका एंशियंट हो जाएगा, फिर मिडिवल आएगा, फिर आपका मॉडर्न आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद तुरंत आपका, फिर मैं ला रहा हूँ आपका पॉलिटी हो जाएगी, फिर आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी इंडियन, फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये पूरा आपको 9 से 10 दिन का है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप ये ध्यान देना कि आपका बागोर है, बिल्कुल ठीक है, आपका क्या है ये आपका बागोर है, ठीक है, बागोर, ये आप ध्यान देना, ठीक है, जो आपको यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं आपको ये ध्यान देना मध्यकालीन, बिल्कुल बिल्कुल। सूची एक को दो से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, धनंजय, नीलराज, उग्रसेन या विष्णु गोपा, सामने उनके राज्य हैं, अवमुक्त, कंची, आपका कुस्तलपुर या पालक्का। नितिन जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, बताइए, बताओ भाई, अगर किसी को आ रहा है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स भी नहीं पता, ऐसा क्यों? मलय जी, मलय जी का तो अभी गायब है मलय जी, कोई बात नहीं,
ठीक है। देखो भाई सिंपल सा था, ठीक है। राजधानी की बात पूछा है तो देखो भाई, जो धनंजय थे उनका वो कुस्तलपुर है, ठीक है। और नीलराज का आपका अवमुक्त है, क्लियर। उग्रसेन का आपका क्या है, पालक्का है। और विष्णु गोपाल का आपका क्या है, कांची है, ठीक है। तो विष्णु गोपाल का आपका कंची है, कांची नहीं है, कंची है, ठीक है। बिल्कुल 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 शिखा जी, स्वागत है। तो आंसर आपका कौन सा मैच हुआ, सी वाला मैच हुआ। सभी ये आए हुए पेपर के क्वेश्चन है, तो कृपया आप ध्यान दें। अगर इतना भी पढ़ लेते हो तो आप पेपर में क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी। बिल्कुल नितिन जी आपका भी सही था सी, बिल्कुल। देखो भाई पेपर में क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन अब जितने भी मैं कराऊंगा इधर बीच, आपको 2012 से 2020 तक के आए हुए क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान देना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके पीछे इसी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बिल्कुल नितिन जी मैंने देख लिया आपका जवाब। बताइए काली बंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है, आपको ये बताना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए देखिए आपको ये क्या है, ये देखो ये मेरठ जिले के आसपास है, मेरठ जिले में, ये आपका सहारनपुर है, ठीक है। लोथल कालीबंगा तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ। चलिए बिल्कुल, साक्षी गुप्ता जी स्वागत है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नितिन जी लोथल गुजरात क्यों मार रहे हो आप, उत्तर प्रदेश पूछा था ना। बिल्कुल साक्षी जी स्वागत है आपका, ठीक है, खुश रहिए भाई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। विनीत सिंह जी भैया स्वागत है आपका। अरे आज विनीत सिंह जी नाम बदल गए, चौहान जी से हट के आज जो है विनीत सिंह जी पे आ गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, विनीत जी होता रहता है, ठीक है, समय समय की बात है। बिल्कुल अयोध्या लेख है आपका, ठीक है, अयोध्या लेख है आपका, ये आप ध्यान देना, अयोध्या लेख, ठीक है, बिल्कुल। हाँ आज अपने नाम से आए हैं, नहीं, अयोध्या लेख है, हाथी गुम्फा नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो ये बताओ, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित किसको करा, पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, या ब्राह्मण के लिए, बताइए बताइए किसके लिए शब्द वो कर रहा इंगित। बिल्कुल अगन्या किसको बोला गया था, अगन्या मेरे भाई बोला गया था गाय के लिए, ठीक है, फॉर द काउज, ठीक है, गाय के लिए, ये ध्यान देना। बहुत ही सब क्वेश्चन भाई बहुत पूछे जाते हैं, रिपीटेड हैं पूरे क्वेश्चन ये। चलिए निम्नलिखित में से किस शैलाकृति गुफा में आपको देखना है 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, अजंता, एलोरा, कनेरी या फिर कार्ले, बताओ। हाँ बिल्कुल विनीत जी, बिल्कुल विनीत जी बहुत समझदार हो गए वैसे। मल्ला जी भैया अलग ही चल रहा है, मल्ला जी क्या हो गया भैया, तबीयत तो ठीक है। बिल्कुल सी, बहुत अच्छे। तो आपकी जो कानेरी की गुफाएं हैं, ठीक है, अभी देखो आप पहले ये क्वेश्चंस कर लो, मैं एक दिन सोच रहा था आपको एक्सप्लेन करने का पूरा, बट वो भी कराएंगे। पहले आप जितने क्वेश्चंस हैं वो पहले आप तरीका देख लो, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं अभी भी, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं, और कैसे पढ़ने हैं ये आपको अंदाजा एक बार लग जाए, ठीक है। चलिए कन्हेरी की गुफा, ये बताइए आप, पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटुपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ठीक है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या न तो एक और न तो दो, ठीक है। भाई आपने पढ़ लिया होगा, हो सकता है मलय जी आपने माँ पढ़ा होगा, बट भाई गाय है, ठीक है। तो अब आप हो सकता है भाई पढ़े होंगे, अब मैं कुछ कह नहीं सकता आपके बारे में, ठीक है, हो सकता है आप भाई कहीं पढ़े ही होंगे, भाई किसी को काटा नहीं ना जा सकता है बात, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन
कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। चलो तो आपको पता है, ये आपका दोनों सही है कि एक भी सही है और आपको दो भी सही है, दोनों के दोनों कथक बिल्कुल सही है, ठीक है। फजल जी बिल्कुल स्वागत है आपका, ठीक है, गुड इवनिंग। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ या संभवनाथ, वृषभ, अश्व, ठीक है, सर्प या जल कलश। बताइए जल्दी से, सब लोग बताए भैया क्या होगा इसका जवाब। ठीक है भाई, कुछ लोगों की नींद नहीं खुली रहती है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, है हर तरह के आपको बच्चे मिलेंगे। आदिनाथ का सभी को पता है वृषभ है, ठीक है। मल्लीनाथ का लेकिन सभी को पता है जल कलश है, ठीक है। और आपको किसका हम बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है पार्श्वनाथ का क्या है, आपका सर्प है, ठीक है, और संभवनाथ का आपका क्या है, अश्व है। तो जवाब आपका क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है, ये आप ध्यान देना, जवाब आपका क्या हुआ, ए हुआ। अब भाई जिसको करना है करते रहना, बाकी जिसको जाना है जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, बराबर पहाड़ी के गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कंसर्निंग द केव्स ऑफ इक्वल हिल्स, ठीक है, बताना है। इक्वल हिल्स मतलब नहीं यार, यहाँ बराबर की पहाड़ियाँ आप लगाना, ठीक है, बराबर। इक्वल हिल्स ना लगा देना, गबरा जाएगा, ठीक है, बराबर, वो वाला बराबर नहीं, ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ। प्रतिमा जी राधे राधे, प्रियंका जी स्वागत है आपका, ठीक है। बताइए, बराबर पहाड़ी पर कुल चार गुफाएं हैं, तीन गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। आपको ये बताना है कौन सा इनमें से बिल्कुल आपका सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है पूछा है, तो ये आप चीजें ध्यान देना। चलो बताओ, भाई और किसी को जाना है आराम से निकल लो, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, सभी लोग जल्दी से बताओ भैया, फटाक फटाक आज हम लोग सभी क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के, मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ये आपके हैं, ये गलत है आपका, ठीक है, बिलोंग्स टू 6th सेंचुरी, ये आपका गलत है, ठीक है। कि अब इस पर एक दिन एक्सप्लेनेशन पूरा हम लोग कराया जाएगा, ठीक है। तब तक आप देखो पहले क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं पेपर में, ये आपको जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विनीत जी, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में, बताइए। इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या इन राजस्थान, इन बुंदेलखंड या रुहेलखंड, कहाँ पे है? बिल्कुल, सी सी ए और सी सबका अलग अलग आ रहा है, और कोई देते रहो भाई तो हम भी थोड़ा देख ले, ठीक है। लेकिन मुझे तो भाई नहीं दिख रहा है, ठीक है, मुझे तो भाई नहीं दिख रहा, आपके जवाब मुझे सही नहीं लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब फिर से सोच समझ के जवाब दीजिएगा, फिर से सोच समझ के जवाब दीजिएगा एक बार फिर से आराम से। बिल्कुल सिर्फ धर्मेंद्र जी का सही है, ठीक है, सिर्फ धर्मेंद्र जी का सही है, इन द सेंस किसका है, धर्मेंद्र जी का। आपका मत्स्य महाजनपद मेरे भाई राजस्थान में है भैया, ठीक है, इन राजस्थान है, तो और भी कहानी ना मार दे, ठीक है, राजस्थान है ये चीज़ें। अश्विनी जी खुश रहिए, स्वागत है आपका, राजस्थान में आपके पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पनो या तक्षशिला लेख, बताइए। तो आपको ये बताना है मिनेंडर, पथिका, कुषाण या रुद्र दमन प्रथम, बताओ। महेंद्र गुप्ता जी स्वागत है भैया, बिल्कुल सभी लोग थोड़ा सा बताएं, मतलब बताओ ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका मतलब आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं देखते हो, ये बहुत ही गलत बात है मेरे भाई, ठीक है, नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा। देखो गंधार कला याद कर लो, आपका क्या कुसार से संबंधित है, सभी को पता है,
मैंने बताया था कनिष्क के बाद, आप कनिष्क में ही जो कुषाण का शासन जब था, तो कनिष्क के समय सबसे ज़्यादा आपको जो बौद्ध देखी, जो आपके ह्यूमन फेस वाले जितने बने थे, उस समय इन्हीं के शुरू हुए थे। ठीक है, तो ए का 3 जहाँ सेट हो गया, ये पहला ऑप्शन आप चुपचाप जवाब मार देना, मतलब आंसर मार देना। ठीक है, 3 4 1 2 आपका ये जवाब हो गया। ठीक है, बिल्कुल सी सभी का सही है। ये बताइए, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रुमिनदेही स्तंभ लेख द्वारा, हेनसुआंग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। बताइए, मलिंद पिनो। बिल्कुल भाई, बाकी लोग तो आज गायब ही हैं, तो बाकी लोगों की तो कोई बात ही नहीं किया जाए हम लोग। ठीक है, चलो भाई जल्दी से इसका जवाब बता दो सभी लोग। तो आपके जवाब अभी तक तो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के तो आ भी गए हैं। ठीक है, तो आप ये बताओगे, ठीक है, तो आपको ये बताना है कलिंग युद्ध, भाई बिल्कुल 13वें शिलालेख से मिलता है, तो बच्चे बच्चे को पता है, तो 13वें शिलालेख को हम सिर्फ देखेंगे भाई, 13th इंस्क्रिप्शन। ठीक है, बिल्कुल अश्विनी जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ठीक है, ये कहाँ से मिला है? सराय नहर से, दमदमा से, महदहा से, या लंगनाथ से? बताइए ये कहाँ से आपको मिलता है? बताओ, मैं यहाँ पे आपको इतने क्वेश्चंस करा रहा हूँ और सभी के सभी गायब हैं, इसका मतलब एक चीज़ तो मैं समझ गया, मतलब आपको कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बस आप आते हो। ठीक है, आप लोग तो आ भी गए हो भैया, बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग तो आराम कर रहे हैं, बाद में कहेंगे कि सर मुझे पता नहीं था कि सर आपकी क्लास 8 बजे चलती है, ये भी तो समस्या है ना। तो बिल्कुल आपको ये पता है आपके दमदमा से, ठीक है, दमदमा से ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अरे यार इंग्लिश देख रहे हो, ठीक है भैया, अस्थमा न लिख देना, ठीक है, फ्रॉम दमदमा, ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ बच्चे बाद में कहेंगे ना कि सर जो है, भैया नितिन जी हमने तो बताया था यार कि हम तो भाई 1 अप्रैल को आपके लिए हाजिर हो जाएंगे, नहीं तो हमारा भी तो मन करता है ना थोड़ा। ठीक है, तो 1 अप्रैल देखो आज है और आज हम हाजिर हैं आपके सभा में। ठीक है, रोमी जी 3:30 पे कहाँ होती थी मेरे भाई? ठीक है, 8 PM पे क्लास मेरी, हमको लग रहा है कि आदिकाल से चल रही है, तो आप बता रहे हो एक्स्ट्रा, आपको देता था एक्स्ट्रा बोनस। भैया क्या करें भाई, आप लोगों को स्पेशल क्लास में भी नहीं आना है, यहाँ भी नहीं आना है, तो भाई अब क्या, जबरदस्ती तो भाई किसी को पढ़ा नहीं दोगे, उसके अंदर से जब तक इच्छा नहीं होगी बच्चे के, तो कैसे पढ़ाओगे आप, ये बात बताओ। ठीक है, तो आप सभी को पता है WA फेयर सर्विस आपके थे, जो कि क्या थे, द आपका रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया जो है आपके, कौन है, WA फेयर सर्विस है आपके। ठीक है, ये आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, चलो हाँ बिल्कुल, जो नहीं है उनकी बात है मेरे भाई, बिल्कुल मेरी होली एकदम सादी सादी बिकती है। ठीक है, ना रंग उंग से नहीं खेलता मैं। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आप शिलाश्रय ऑफ विंध रीजन हैज फाउंड द मोस्ट ह्यूमन्स स्केलेटन्स? बताइए, शिखा सचान जी स्वागत है आपका, बिल्कुल बिल्कुल एकदम डिजिटल वाले, बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, तो आपको पता है कौन सा, अरे लिखैया यार याद रख लो। ठीक है भाई, देखो जहाँ कुछ गलत हो ना, तो आप इंग्लिश वर्जन देख लिया करिए। ठीक है, विजय दुबे जी स्वागत है, कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको चीज़ें सही मिलेंगी, लिखैया आपका जगह है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन जो भी आपको सही लगे देख लिया करो एक बार, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझदार हो, पढ़े लिखे भी हो। ठीक है, लिखैया, चलो अब आप ये बताओ मुझे, ठीक है,
पृथ्वीया प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? आपको ये बताना है, ठीक है? बताओ, समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, या गौतमी पुत्र सत्कर्णी की? किसकी थी आपको पृथ्वीया प्रथम वीर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सोच समझ के सभी का जवाब आना चाहिए, सोच समझ के, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वीया प्रथम वीर किसकी थी? देखो भाई, बिल्कुल देखो, कुछ लोग ए दे रहे होंगे, डी दे रहे होंगे, लेकिन अगर सही से अगर आप देखा जाए, जो आयोग ने माना हुआ है, ठीक है, आयोग ने जो आपका माना हुआ वो आपके समुद्रगुप्त को माना है, तो कृपया आप लोग समुद्रगुप्त के साथ जाएं, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान दें। उर्मिला जी स्वागत है आपका, आप लोग समुद्रगुप्त के साथ ही जाएंगे, ठीक है, तो कृपया गौतमी पुत्र सत्कर्णी के साथ आप नहीं जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने ए लगाया है वो बिल्कुल, मुझे पता था आप लोग डी मारोगे, क्योंकि इसका आंसर कहीं कहीं आपको डी भी मिलेगा, बट आयोग ने जो माना है, आयोग आपका समुद्रगुप्त को मारता है, तो आप समुद्रगुप्त को ही मानोगे, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान देना। चल ये बताओ, सूची एक का दो से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अशोक सम्राट की बात हो रही है, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। विरुद्ध की बात अगर होती है तो परक्रमांक, प्रियदर्शिनी या विक्रमा या क्रमादित्य या अविक्रमादित्य, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल समुद्रगुप्त। क्या बात है विनीत जी, भैया इतना कहाँ से माइंड लाते हो यार, आप लोग बड़ी समझदार बच्चे हो, मतलब कहाँ से इतना दिमाग आता है आपके पास, मतलब बहुत तेज हो यार आप लोग, बहुत तेज हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी 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 सभी का, और किसी का और कुछ है तो भाई मुझे बता देना, ठीक है। बिल्कुल इतना तेज आप लोग हो कैसे यार, ये बताओ मुझे। शशि जी गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए आपको बहुत ही प्यारा सा पता होगा, अशोक को सभी को पता, प्रियदर्शनी, ठीक है, तो जब आपको अशोक का प्रियदर्शनी पता हो गया तो आपको जवाब भी पता चल गया, तो ज़्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं पड़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग तो आपको, हाँ बिल्कुल एक ही मैच कर लो आपका हो जाएगा। बहुत ऐसे ही पेपर में भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत घबराने की बात नहीं है, चीज़ें बस आप मैक्सिमम चीज़ें पता रखिए, बाकी काम आपका होता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निर्याकस, या अनेक्रिस एनेसिक्रिट्स, ठीक है, या एनेसिक्रिट्स, डाइमेकस या अरिस्टोब्यूलस, बताइए कौन नहीं आया था, सोच समझ के बताना है। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, सिकंदर के समय, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, तो ये आपका सिकंदर के समय नहीं आया था, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है, ये सिकंदर के समय आपका नहीं आया था, ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। ये आपका किसके समय आया था? ये आपका बिंदुसार के समय आता है, ठीक है, बिंदुसार के समय आपका ये आया था, ठीक है। चलो बिल्कुल बिंदुसार के टाइम आया था, बिल्कुल। चलो ये बताओ, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ द हेवन वेन सॉन्ग, हुईली द नेचुरल हिस्ट्री, टॉलेमी, या आपका हिस्टोरिकल फिलिपिकल, या पॉम्पेस, ट्रोग्रेस, या द हिस्ट्रीज हेरोडोटस, बताना है आपको कौन सा है, ठीक है, बताइए जल्दी से, ठीक है, तो द कौन सा आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है, बताइए। कैसे आप लोग लगा रहे हो थोड़ा ये बताना, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी है, आप लोग काहे भैया दूसरा लगा रहे हो? प्लिनी द एल्डर का नाम सुना था आपने? बताओ, प्लिनी द एल्डर का नाम सुना था आपने? तो आपको ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है इसका जवाब क्या होगा, ठीक है, प्लिनी द एल्डर, ठीक है, आप नाम सुन लेना, ठीक है, ठीक है, प्लीनी द एल्डर, ये आपके इससे संबंधित है, न कि आपके टॉलेमी से संबंधित है, ठीक है, हाँ प्लीनी द एल्डर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये बताइए आप, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? आपको बताना है वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, या सूत्रों के, बताइए।
बताओ, वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के? जल्दी से बताना है सभी को, एकदम जल्दी से इसका सही जवाब आना चाहिए। बिल्कुल, सिया जायसवाल जी स्वागत है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको प्रत्सर्ग प्रतिसर्ग सभी किससे जुड़े हैं? पुराणों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपके फ्रॉ ऑफ द पुराण्स, ठीक है। चलो ये बताओ, अगला अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है? ठीक है, सातवां अंग आपका कौन सा है, आपको ये बताना है, ठीक है, सातवां अंग आपका कौन सा है ये बताइए आप, ठीक है। जनपद, दुर्ग, मित्र या आपका कोष, ये कौन सा आपको सातवां अंग है आपको ये बताना है, ठीक है, बताओ भाई, सोच समझ के सभी लोग बताओगे? बिल्कुल, तो आपका जवाब क्या है? आपका जवाब है मित्र, ठीक है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? फ्रेंड, जिसे आप मित्र कहते हो, सातवां, बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है, ठीक है। ये बताइए आप, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड के शुरुआत में। चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा फटाक फटाक, और स्पेशल क्लास में जो आना चाहते हैं वो 11 बजे आ सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है, आपकी इच्छा भाई आपके ऊपर है, ठीक है। बताइए सबसे मूल्यवान किसको समझा जाता था? तो भाई सभी को पता है आपका, किसको समझा जाता था? आपके गाय को समझा जाता था, ठीक है, आपके गाय को समझा जाता था, काऊ को, ठीक है। चलो, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स अशोका हैज बीन मेंशन, गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में, बताइए। बताओ भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स अशोका हैज बीन मेंशन, ठीक है, किसमें लिखा हुआ है? अब ये बता लोगे आप लोग, वैसे मुझे उम्मीद है, ठीक है, सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता होगा आपका, गुर्जरा, ठीक है, बिल्कुल गुर्जरा अभिलेख, ठीक है, गुर्जरा अभिलेख, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? विम कैडफिसस, कुजुल कैडफिसस, कनिष्क या हर्मविज, कौन था ये बताना है। क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे ही आपके पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से देखें, सेम आपको क्वेश्चन ये आया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। किसी दिन अगर बैठेंगे तो आराम से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे होगा क्या कि आपको इससे संबंधित सारी चीज़ें, इसके चारों तरफ की चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप पेपर में आपको फंस भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो विम कैडफिशेस आपका है, ठीक है, विम कैडफिशेस, आप ये ध्यान देना चीज़ों को। चल आगे बढ़ते हैं, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त, बताइए भाई। आप लोग सही बात है, एक बार क्वेश्चन नंबर डाल के लिखा करो तो थोड़ा सही रहेगा, जैसे आप यहाँ पे डाले क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ पे आंसर डाल दिए तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। शिवांश जी भैया स्वागत है आपका, कैसे 29 का बताना है, 28 का हो चुका है, ठीक है, कैसे बी कैसे भाई, बिल्कुल शिवांश जी आपका सही है। और आपको पता है इन्हीं के समय में आपको पहला चीनी यात्री भी आया था, ठीक है, पहला चीनी यात्री जिसका नाम क्या था सभी को पता है, ठीक है, फाहयान उसका नाम था, ठीक है, फाहयान पहला चीनी यात्री भी इन्हीं के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आपका आया था, ठीक है। चलो, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा विलय की तिथि क्या मानी जाती है ये बताना है आपको, ठीक है। सभी लोग लाइक कर दिए होंगे मेरे बिना कहे आज, ठीक है, बट सभी लोग नहीं किए हो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शिवानजी फाहयान था। कुछ लोग तो निकल भी लिए होंगे ना भाई, क्योंकि थक जाते हैं बच्चे, ठीक है, थोड़ी देर मेरी क्लास में रहना सबके बस की बात भी नहीं है। बिल्कुल राधा जी स्वागत है, ठीक है, और भी कोई, और भी निकल लीजिए जिसको निकलना हो, कोई जबरदस्ती नहीं आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको पता है ये 81वीं सन आपका जो है भाई, कैसे कैसे भैया आप लोग लगा रहे हो, थोड़ा मुझे बताना, थोड़ा हम भी समझ जाएं, ठीक है।
कैसे भैया आप लोग लगा रहे हो ए, थोड़ा मुझे बता दो, हम भी थोड़ा जान ले भाई, हम आप ही लोग से तो जैसे सीखते हैं ना, तो जल्दी बता दो कैसे लगा लिए आप लोग, थोड़ा मुझे बता देना, थोड़ा सा बस बताना है आपको ए कैसे होगा। शिवांश जी भी ए दे दे रहे हैं, और कोई थोड़ा बता देना फिर से, थोड़ा सोच समझ के जवाब बता दो। सही है कैसे, मुझे तो लगता है कि 81 है, थोड़ा मुझे बताओ, मुझे तो लग रहा है 81 है, ये बताइए आप। भाई जल्दी बताओ ना, आप लोग यहाँ समझदार बच्चे बहुत बैठे हुए हैं, मुझे कृपया बताएं ठीक है कि कैसे, मुझे बस इसका जवाब दे दो फिर मैं आपको बता दूंगा ठीक है। कृपया ध्यान दीजिएगा, आपका 78 में कनिष्क वाला है, बट क्या पूछा है, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि, इसने तो कनिष्क वाला संवत का तो पूछा नहीं था ठीक है, तो भैया मेरे 81 होगा इसका ठीक है, कृपया इसको ध्यान दे, 3 साल की बात होती है ठीक है। ठीक है क्या क्या सही लग रहा है आपको, ठीक है ये आप ध्यान देना कि आपको अभिलेख की तिथि 81 है ठीक है, 78 नहीं होगी, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना ठीक है। बिल्कुल 78 है, बट आपको 81 में बौद्ध प्रतिमा को आपको क्या किया गया था, सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की तिथि यही थी आपकी। चलो अब एक नया क्वेश्चन मिला होगा, बिना बिगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है। हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट न लिखो ऐसे लिख देना, चलो ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल रुद्रदामन प्रथम, क्या बात है भाई बहुत अच्छे ठीक है, तो सभी को पता होगा रुद्रदामन प्रथम थे ठीक है, रुद्रदामन प्रथम ठीक है। चलिए ठीक है आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था, पोयगई, तिरुज्ञान, पूडम या तिरुमंगई, कौन नहीं था पूछा गया है ठीक है, बताइए कौन नहीं था ये बताना है, बाकी तो हम हैं ही भाई बताने के लिए। बिल्कुल और कोई अगर है भाई तो थोड़ा बता देना मुझे ठीक है। मलय जी अगर आपको अलवार नहीं पता तो आपको फिर स्पेशल क्लास में आ जाइएगा, सारी चीज़ें आपको अलवार नैनार ठीक है सब आपको पता चलेगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो ठीक है। तो आपका ये क्या है, आपका तिरु ज्ञान, ये आपके क्या थे, नहीं थे ठीक है, बाकी आपके थे, तो मलय जी आपको आना पड़ जाएगा ठीक है। क्या हुआ, हाँ वही हम कह रहे हैं कि ये क्या है, आपको भैया आ जाना स्पेशल पे, सुबह आप आते ही हो डेली, आ जाना कल भी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा, आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुभद्र, बताओ भाई। नितिन जी एनसीईआरटी में भाई आपको देखिए, एनसीईआरटी आपको एक बेस बताता है ठीक है, बहुत डिटेल के लिए मेरे भाई आपको कोई किताब टेक्स्ट बुक तो रखनी पड़ जाएगी ना। हाँ 63-18 बिल्कुल सभी का आ गया, सुबद्ध सुबद्ध सुबद्ध, क्या बात है भाई, बड़ा तेज हो यार आप लोग, कौन सी किताबें पढ़ रहे हो आजकल थोड़ा बता देना ठीक है। सुबद्ध ये आप ध्यान देना, और भैया ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये सभी क्वेश्चन आपके पीसीएस के क्वेश्चन है, जैसा कि हेडिंग भी दिखा देखा होगा आपने, 2012 से 20 तक के जितने क्वेश्चन हैं वही आपके सामने मैं लेके आया हूँ। आरती जी स्वागत है आपका। चलो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य होता था, ठीक है। अच्छा विनीत जी ऐसा है क्या, अच्छा बहुत अच्छी बात है यार ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है ठीक है, मैं तो साइंस पढ़ाता था ना। सी 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 डी डी सी, सबका अपना एक अलग अलग आ रहा है,
सबका अपना ही स्वैग मेरे भाई। तो राजकीय भूमि से जो प्राप्त करते वही आपका होता था, ठीक है, बिल्कुल सी जिनका है, ठीक है। तो आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट लैंड, ठीक है, ये आप ध्यान देना, बिल्कुल सी। चलो, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति, किसमें आपको ये मिलता है? महेंद्र जी कहाँ हैं? यहीं हैं, कहाँ रहेंगी? हाँ, सीता इनकम से, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिखा जी, आपने बहुत क्लासेस की हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बस बिल्कुल, लेकिन एक बार अपने रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है, आपने क्लासेस की हैं, अच्छी बात है, बट एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, नहीं तो दिमाग में कुछ नहीं टिकेगा, ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र आपके कहाँ से? ऋग्वेद से, ठीक है। चलो, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक, नित्य विश्राम करते हुए या ध्यान मग्न? शिवांश जी, मुझे भी यही लग रहा है कि सब एसडीएम ही बन चुके हैं। अरे महेंद्र जी, कोई बात नहीं, अभी तो इस समय देखिए रिकॉर्डेड क्लास भी शायद मैम की होगी, ठीक है, और मेरी तो आपको डेली 8 बजे मिल जाएगी, ठीक है, 8 बजे आपको मैं यहीं मिलूँगा। आज एनशियंट है, कल मध्यकालीन चलेगा, परसों आपका मॉडर्न चलेगा, इसी तरह आपको चढ़ता रहेगा, ठीक है। शिखा जी, कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन है, कोई बात नहीं, बट आप एक बार ना चीज़ों को एक बार और अपने से थोड़ा मंथन भी करिएगा, ठीक है, पढ़ने के बाद रिवाइज कर लेना, ज़रूरी है ये। नहीं, आरती जी करेंगी तो दिमाग में रहेगा, आप काफ़ी क्वेश्चन सही बताती हैं, ऐसा नहीं है। शिखा जी, आप क्या एसएससी की करती हैं ना? एसएससी जीडी की कर रही हैं ना? सफिशियंट आपके लिए, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए, आप निकाल ले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं, ठीक है, अभी एसएससी की है, कल को आप निकाल लेंगी तो बहुत अच्छी बात है, भविष्य के लिए आप पीसीएस का देंगी ही देंगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप बिल्कुल कोई बात नहीं है, पहले आप एसएससी जीडी को फोकस करें, उसके बाद सिलेक्शन लेके फिर आप पीसीएस की तैयारी करें, ठीक है। हाँ, रिवीजन भाई, देखो, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं ये बताना है आपको, ठीक है, थोड़ा ये वाला वर्जन थोड़ा खतरनाक है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख ले, हिंदी वर्जन आपको ज़्यादा प्रिफर करना है, ठीक है, हिंदी वर्जन आपको प्रिफर ज़्यादा करना है, हिंदी वर्जन आप यहाँ लिख लो, ये ज़्यादा प्रिफर करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल, यूपीएसआई का भी फॉर्म आप लोग डाल दीजिए एकदम जबरदस्त तरीके से भाई, तैयारी में लग जाओ, नौकरी वोकरी पालो, फिर मुझे मिठाई उठाई खिलाना, ठीक है, बिल्कुल। इंतु नाम से होता है मेरे भाई, ठीक है, इंतु, इंतु नाम से ये उल्लेख होता है, ठीक है, इंतु, क्लियर है ना। चलो, अभिनय कुमार चक जी, भैया स्वागत है आपका, सभी लोग लाइक कर दिए होंगे ये बताओ, अर्चु जी स्वागत है आपका। सूची एक को दो से सुमेलित कीजिए, मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा या राखीगढ़ी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र? भैया लाइक तो कर दो, पैसे नहीं लगेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग समोसा ही खिला दे, बस कुछ खिला दीजिएगा ना, बस नौकरी पहले निकाल लो, वो ज़्यादा बड़ी बात है। मलय जी, अब एक बात बताओ, अगर आपकी हाइट कम है तो हम बढ़ा तो देंगे नहीं, तो आप उसको मत डालना, कोई बात नहीं है, ठीक है, और भी पेपर हैं, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको डालना ही है, ठीक है। क्या हुआ? जे एंड के क्वेश्चन ओवर मतलब? हाँ, ये जो आपने लगाया है ना, बिल्कुल आपने सही लगाया है, मांडा जिसने लगा दिया जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल यही तरीका आपको अपनाना भी होता है, ठीक है। पीसीएस में तो आप यही अपना सकते हो, थोड़ा आईएएस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको सभी याद करने पड़ जाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, काजू कतली बिल्कुल बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन खा लेंगे भाई आप लोग खिला दोगे तो, क्योंकि वो नौकरी की खुशी रहेगी ना।
अरे अश्विनी जी अभी फॉर्म आया तब तक फिल भी कर दिए भैया, इतना जल्दी ना किया करो, आराम से चीज़ें किया करो। ठीक है, ये बताइए आपको सुमेलित करना है, आधुनिक नाम और वैदिक नदियाँ, कुभा, परुषणी, सदानीरा और शतुद्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपका ये PCS का क्वेश्चन है। ठीक है यार, कुछ लोग हम समझ नहीं पाते, वो क्लास में आते हैं और निकलने के लिए आते हैं यार, मतलब अजीब इंसान है, या फिर वो आया ही ना करे, या फिर आए तो भाई थोड़ा सवाल उवाल लगा के जाओ, ठीक है, कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो पता नहीं क्या। सेना में जाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाएंगे, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है श्याम जी, भैया स्वागत है आपका। ठीक है, अच्छा रजिस्ट्रेशन किए हैं, गोल्डन बुक में बना लिया है, कैसे भाई, क्या अभी तो आप GD की तैयारी कर रहे थे तब तक कैसे बना लिया रिकॉर्ड मेरे भाई। ठीक है देखो भाई, आपका जवाब क्या होगा एक बात बताना। ठीक है देखो, इसमें है क्या कि आपको देखो, कुभा का काबुल सभी को पता है, सदा नीरा का गंडक है, तो सी का पहला कहाँ दिया है पहले ये बताओ, ये दिया है ये बताना, सी का ये दिया है। ठीक है, कुभा का काबुल, तो अब देखो परुश्री का आपको पता है सभी को, रावी और शतुद्री का सतलज। अगर भाई जिसको सी वाला मिल गया वो वैसे भी सही कर लेगा सी से सिर्फ। ठीक है, क्लियर है, चलिए आपको वही इंग्लिश वर्जन है, तो इंग्लिश वर्जन आपको ध्यान नहीं देना। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषि पत्तन, बताइए। पद्म शीर्षन आपका 1 घंटे का बनाया था, बहुत अच्छे। अच्छा श्याम जी मैं समझ गया, सुनील सर UPSC सेक्शन क्या, बिल्कुल। चलिए तो आपको पता है ये कौन सा है, बहुत सभी को पता होगा, आपका प्यारा सा बोध गया। ठीक है, बोध गया आपका इसका जवाब है, ठीक है ना, चल क्लियर। चलो आगे देखते हैं भैया, ये बताओ निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालविकाग्निमित्र, आपका कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त या सौंदरानंद अश्वघोष, बताइए। शालवृक्ष, बिल्कुल, सभी लोग लाइक कर दिए होगे यार, हाँ बिल्कुल लाइक भाई, देखो दबा के किया करो, ठीक है पैसा नहीं लगना है आपका। ठीक है देखो आज आपका ये देखो, मैं आपको सीरीज बता दूं, आपको कल मैं मध्यकालीन कराने वाला हूँ, कंप्लीट मध्यकालीन कल, ठीक है ये आप ध्यान देना, मध्यकालीन आपका हो जाएगा कल। ठीक है, और आधुनिक आपका हो जाएगा मतलब 3 तारीख को, ठीक है 3 अप्रैल को, ये चीज़ें आप धीरे धीरे याद करते रहिए। बुद्धचरित सभी को क्लियर है, ये बताओ जल्दी से, सभी को पता है कर्पूर मंजरी आपके हर्ष नहीं है तो कौन है, जल्दी से बता दो, कर्पूर मंजरी अगर हर्ष नहीं है तो कौन है, राजशेखर की है। ठीक है, वर्ष का क्या हाल है, मतलब वर्ष मतलब, चलो तो आपको पता कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, आपको पता ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है, इतनी बार पूछा जा चुका है, तो आपको यही क्या है, तो नॉट अ करेक्ट पेयर, तो कर्पूर मंजरी राजशेखर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है चलिए, बिल्कुल COVID-19 जी, भैया स्वागत है आपका। ठीक है, अपने आप साथ लेके देख घूम रहे हो COVID-19, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में, कहाँ पे आपको अवस्थित थी ये बताना है आपको, पुनर्वर्धन भुक्ति ये बताना है, बताओ। भैया अभिनय जी कोई बात नहीं भैया, यहाँ गलत होगा पेपर में सही होगा, परेशान नहीं होना है। वन रक्षक क्या हाल है सर, मिस्टेक हो गया था, वन रक्षक का भैया पेपर होने वाला था, कैंसिल ना कर दिया इन्होंने, 4 अप्रैल को शायद पेपर तो था, शायद कैंसिल कर दिया। मलय जी आपका NTPC का पेपर था कैसा गया, और कुछ GS के क्वेश्चन रिपीटेड हुए थे स्पेशल क्लास से या यहाँ पे आपके यूट्यूब से,
रिपीटेड हुए थे कि नहीं? बिल्कुल। चलिए, तो पुनर्वर्धन भुक्ति आपका कहाँ पे है? उत्तर बंगाल में है भैया। तो इन नॉर्थ बंगाल है, कोई बिहार मत मार देना। जो ए दिए थे ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? हमेशा अपने हिसाब से चीज़ें मत सोचा करो। बिल्कुल ए काफ़ी लोगों ने दिया है, बहुत अच्छे। चलिए, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? अश्वनी जी, तो कैसा गया पेपर? तिरालीस का बी, बिल्कुल। तो आप सभी को पता है कैसे? शिवांश जी, फिर से बताइए जवाब सोच समझ के। मेरे हिसाब से आपका जवाब सही नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से जवाब आपका बिल्कुल, विनीत जी देखो सही दे दिए जवाब, राधा जी भी सही दे दिए हैं, ठीक है? और कौन कौन दिया सही? बस बाकी तो गलत दे रहे हो, ठीक है? सही जा रहे हो भैया, ठीक है? तो कुलोत्तुंग प्रथम थे मेरे भैया, कुलोत्तुंग प्रथम। और ये पीसीएस का आपका क्वेश्चन है, ठीक है? पीसीएस का 2012 का क्वेश्चन है, प्री का, ठीक है? ये पीसीएस 2012 प्री का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, क्या सी किया हुआ एनटीपीसी में? जीएस ठीक, ये रीजनिंग ठीक है, क्या हुआ? क्या यहाँ डीजे बजने लगा? कोई बात नहीं रोमी जी, तो आप जवाब दें बस ना, ठीक है? कम्बन नन्नय कुट्टन या टिक्कन, आपको बताना है। महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं कौन से, ये बताना है बस आपको। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस नॉर्मल सा बताना है। बिल्कुल। तो आप सभी को फिर से एक बार सोच समझ के आप जवाब देंगे, फिर से एक बार जिन्होंने दिया एक बार सोच समझ के। तो बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल शिवांश जी का मुझे अभी तक जवाब सही लग रहा है, ठीक है? बिल्कुल। तो आपको पता है कौन कौन है? नन्नय है और आपका टिक्कन है, ठीक है? नन्नय और आपके टिक्कन ये माने जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो तीन और चार जो आपका है वो बिल्कुल सही है, नन्नय एंड आपका टिक्कन, ठीक है? केवल तीन और चार, ठीक है भैया? हाँ, नन्नय और टिक्कन, बहुत अच्छे। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, ठीक है? तुर्मय जो था अशोक का समकालीन, वो कहाँ का था? मिश्र का था, कोरित का था, मेसोडोनिया का था या सीरिया का था? बिल्कुल विनीत जी, आप भी अपना नाम रख लो, काफी अच्छा नाम है, ठीक है? और भैया सूरज पाठक भी स्वागत है, भैया आप लोग, पुष्पेन जी आपका भी स्वागत है। तो आप लोगों की जो है होली कैसी बीती, ठीक है? ऐसा तो नहीं ना कि कोई नाली उली में तो नहीं पड़ा था? नाली में होता क्या है कि जब आप कुछ, जैसे कुछ लोग होता क्या है ना, आपका जो सेरिबेलम है वो थोड़ा काम करना बंद कर देता है, जिससे आपके बॉडी का मूवमेंट पोस्चर गड़बड़ होता है और आप नाली में गिर जाते हो, ठीक है? तो ये ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ था, ये बता देना मुझे, ठीक है? तो ये आपका क्या था? ये आपका मिस्र था, ठीक है? इजिप्ट, जिसे आप मिस्र कहते हो। अभी मिस्र वाले नाम से आपको एक याद आ गया होगा, अभी जल्दी ही स्वेज कैनाल जो भी बड़ा मैटर में चल रहा था, अब तो मान लो पार हो गया काम इसका, स्वेज कैनाल वाला। आपको पता है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में आपको स्वेज कैनाल वाला आपको मिलता है ना, ठीक है? चलो, हम तक मस्त थे, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही है। क्या हुआ? अब मैं नाम नहीं बदलूंगा सर, मुझे अपने नाम से प्यार हो गया। हाँ बिल्कुल बढ़िया है, अपने नाम से ही आपको प्यार हुआ, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है? बताइए कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कोरकाया, पुहार, तोंडी या मुशीरी? भाई नाम देखो कितना खतरनाक है, लेकिन देख रहे हो ये एंशियंट का क्वेश्चन है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए क्या होगा इसका? हाँ भैया अश्विनी जी, वाराणसी में बिल्कुल सब ठीक है भैया, बहुत अच्छा है। सी, बिल्कुल। तो आपको पता है, यहाँ देखो आप, आपका क्या है भाई? तोंडी बिल्कुल, और मुसीरी भी था, तो ऑप्शन आपका क्या हुआ? केवल तीन और चार आपका हो गया, ठीक है? बिल्कुल
ठीक है, हाँ मुसीरी से बन जाएगा, चौथा होना चाहिए, तो आंसर हो गया आपका। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर शंकरषड़ एवं वासुदेव दोनों अंकित है, ये बताना है। एवर गिवेन था रोमी जी, अरे यार आप भी ना, एवर गिवेन था ना, एवर गिवेन रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, हुविस्क, कनिष्क, समुद्रगुप्त या एगाथोक्लिस, कौन थे आपको ये बताना है, कौन सा शंकरषड़ और वासुदेव की दोनों को मिलती है। मतलब फिर से यार आप लोग ये कैसे गलत कर देते हो यार, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी पीसीएस 2012 का ही क्वेश्चन है आपका भाई। देखो जिसको सेलेक्ट होना है 2010 के बाद का क्वेश्चन पूरा पढ़ डालना विथ एक्सप्लेनेशन, 100% मेरी तरफ से सिलेक्शन उसका हो जाएगा। ठीक है, तो अगाथोक्लिस थे, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, अगाथोक्लिस। ठीक है, अगाथोक्लिस नाम आप सुन रहे होगे, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये कौन था, किसी के दिमाग में आ भी रहा होगा, बताओ किसी के दिमाग में आ रहा, बताओ। मिनांडर की मृत्यु के बाद कौन था पता है, उसका पुत्र स्ट्रेबो था, सभी को याद होगा। ठीक है, और उसकी पत्नी कौन थी, एगाथोक्लिस ही तो थी। ठीक है, उसकी पत्नी एगाथोक्लिस ही थी ना, तो ये चीजें आप ध्यान देना। बिल्कुल, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावट के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। भाई अभी जब साइंस की क्लास आएगी तो साइंस से पूछा जाएगा, ठीक है मल्ल जी, इतना घबराहट नहीं, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गूगल पे सब कुछ मिलेगा, गूगल पे आप सर्च किया करें। ठीक है, कहीं भी कुछ पढ़ा रहे हो तब तक बीच में। बताइए, झंझावट, पापियों या नैतिक व्यवस्था के या वर्षा के देवता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है, फिर से सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। कैसे यार आप लोग, कैसे एक बात बताओ आप लोग, मतलब कैसे लगा दे रहे हो। देखो झंझावर के देवता थे तो स्टॉर्म के, और वर्षा के भी देवता थे, क्या पापियों को दंड देते थे क्या, मतलब थोड़ा मुझे बताना किसको लग रहा है ऐसा कि पापियों को दंड दिया जाता था। ठीक है, तो भैया पहला और चौथा ना सही होगा, पापियों को दंड देने वाले भी देवता थे क्या भैया ये, अब हमको तो नहीं पता है, आप लोग को हो सकता है जानकारी ज़्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल डी, पुष्पेंद्र जी, महेंद्र जी, कोविड जी और अर्चना जी, शालू जी, नितिन जी, तो भैया थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में रख के चीज़ें आपको देनी चाहिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कुमारगुप्त प्रथम, मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता, उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरर अभिलेख, बताइए कौन सा आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा है, ये चीजें आप ध्यान देना। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताइए, ना 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 ना, कैसे प्रभावती गुप्त है ना भैया, यहाँ से कोई अभिलेख, ये उदयगिरी गुहा अभिलेख से थोड़ी ना प्राप्त हुआ है कुछ मेरे भाई। ठीक है, तो यही तो आपका गलत है। ठीक है, सुमेलित पूछा है ना, नहीं है, तो आपका ये सुमेलित आपका नहीं है, तो किसने सी दिया पहले मुझे ये दिखाओ, विनीत जी ने दिया है, और बस सही जा रहे हो, तो कल का होमवर्क दे दें, ये बताओ कल का होमवर्क दे दें हम, मतलब आप लोग की तैयारी बहुत ही ख़राब है, 2 महीने में पेपर है, कैसे काम चलेगा यार। धर्मेंद्र जी का भी देखो सही है। ठीक है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो मिलाना है आपको। ठीक है, आपका आज ये 50 क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट, और ठीक है क्वेश्चन तो मेरे पास और थे लेकिन आपको जब समझाएंगे तब उसको हम कराएंगे। और आपको क्या याद रखना है, कल
2012 से लेके 20 तक का मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? ये आप मध्यकालीन ऐसे लिख लेना, ठीक है? कल आपका मध्यकालीन का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग, ठीक है, पढ़ के आओगे। ये इतना भी बता दिया हिंट, 2012 से 20 तक का पूरा रिवाइज करके आओगे, मैं आपको यहाँ कराऊंगा, ठीक है? सभी को तैयार है, ये बताओ पहले, आप लोग तैयार हो? ठीक है, चलिए। तो आपको इसका जवाब देना है, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है? चलो, हड़प्पा आपको सावधान से संबंधित है, लोथल आपको पता, गोदी माने पोर्ट होता है, कालीबंगा जूता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन आपको कौन सा मिलता है? आपको डी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब मिलता है, ठीक है? तो कल सभी लोग तैयार हैं। ये आपको 2012 से 20 तक का जितना भी मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन होगा वो मैं आपको कल कराने वाला हूँ, ठीक है? तो आप सभी लोग एकदम तैयार रहें और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें। बाकी हम तो साथ आपके हैं ही, लेकिन भाई आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं आपको जो है, ठीक है, ये आपका सुशांत 01 कोड आप ये देख रहे हो, ये आप यूज़ कर लेना, ठीक है? प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए ये आप तीन लोग अपने हिसाब से कोई समझ लेना, ये तीन लोग आप लोग में से। सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 11 बजे आप आ सकते हो हमारी स्पेशल क्लास में, ठीक है? स्पेशल क्लास में आप 11 बजे बिल्कुल आ सकते हैं सभी, और 8 बजे यूट्यूब क्लास में। सिर्फ आपकी ये दो क्लासेज हैं, तो इन दोनों क्लासेस को करना न भूला करें, ठीक है? ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल, ओके, बाय बाय।